M1 और M2 के छात्रों को केमिस्ट्री का पहला पार्ट सॉलिड स्टेट के बारे में बताना चाहता हूँ। सॉलिड स्टेट जानने से पहले हमें द्रव्य को जानना अनिवार्य है। द्रव्य वे पदार्थ जो स्थान घेरते हैं तथा जिनका कोई ना कोई भार होता है, अर्थात द्रव्यमान होता है, और जिनका एहसास हम अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा करते हैं, द्रव्य कहलाते हैं। द्रव्य मुख्यतः तीन भाग से बने होते हैं। पहला ठोस, द्रव और गैस। ठोस वे पदार्थ जिनका आकार व आयतन निश्चित होता है, ठोस कहलाते हैं। द्रव्य आयतन तो निश्चित होता है किंतु आकार अनिश्चित होता है। गैस गैस का आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है। ठोस अवस्था, जैसा कि ठोस अवस्था द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण प्रबल अंतराणुक बलों द्वारा जालक में संवृत संकुलित रहते हैं तथा इस कारण गति करने में असमर्थ रहते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। ठोस की विशेषताएं। ठोस पदार्थ का आकार व आयतन निश्चित होता है। इनके अवयवी कण निकटतम उपस्थित रहते हैं तथा कंपन करने में असमर्थ होते हैं। इनका घनत्व द्रव और गैस के तुलना में अधिक होता है। इनमें विसरण की क्रिया नहीं पाई जाती है तथा ये गर्म करने पर मुख्यतः द्रव्य अवस्था का निर्माण करते हैं, जिसे गलनांक कहते हैं। गलनांक वह ताप जिस पर ठोस द्रव अवस्था को प्राप्त करता है, उसे उसका गलनांक बिंदु कहते हैं। बच्चों एक नया क्वेश्चन होता है गलनांक बिंदु। तो वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था को प्राप्त करता है, उसका गलनांक बिंदु कहलाता है। अब बात करें हम ठोसों के प्रकार। ठोस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस इनके घटक कण परमाणु अणु या आयन एक व्यवस्थित क्रम में जुड़े होते हैं। इनकी एक निश्चित त्रिविमी 3D व्यवस्था होती है। इस प्रकार के ठोस को क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। उदाहरण सिल्वर, कॉपर, आयरन। अक्रिस्टलीय ठोस इसमें घटक कण परमाणु आयन अणु अनियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों में लघु प्रास व्यवस्था होती है, जैसे मक्खन, प्लास्टिक, कांच इत्यादि। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। क्रिस्टलीय ठोसों की एक निश्चित, जैसा कि आप जानते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों की एक निश्चित आकृति होती है। इनके अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस ही वास्तविक ठोस होते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक निश्चित होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों का निश्चित आकृति नहीं होती, इनका कोई आकार और आकृति नहीं होती है। इनके अवयवी कण एक अनिश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक निश्चित नहीं होते। अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक प्रकृति के होते हैं। ठोस, ठोस के प्रकार क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस तथा क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। अब हम बात करेंगे क्रिस्टलीय जालक, जालक बिंदु, एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिकाओं के प्रकार और संयोजन संख्या। क्रिस्टल जालक एक्स, वाई तथा जेड तीनों अक्षों पर अवयवी कणों को व्यवस्थित करने से बनी जटिल संरचना क्रिस्टल जालक कहलाती है। अर्थात तीनों अक्ष एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस पर एक एक कणों को
बार बार व्यवस्थित करने से जिस जटिल संरचना का निर्माण होता है उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक में अभवयी कणों को बिंदु से प्रदर्शित करते हैं जिसे जालक बिंदु कहते हैं। बोर्ड एग्जाम में एक और क्वेश्चन आता है कि जालक बिंदु किसे कहते हैं, तो क्रिस्टल जालक में अभवयी कणों को बिंदुओं से प्रदर्शित करते हैं जिसे जालक बिंदु कहते हैं। अब बात करेंगे एकक कोष्ठिका की। एकक कोष्ठिका जैसे किसी घर के निर्माण में ईंट की बार बार पुनरावृत्ति होने से दीवार का निर्माण होता है, उसी तरह से संपूर्ण क्रिस्टल संरचना में वह छोटी से छोटी इकाई जिसके सभी दिशाओं में समान रूप से बार बार दोहराने पर पूर्ण क्रिस्टल संरचना का निर्माण होता है एकक कोष्ठिका या मात्रक कोष्ठिका कहलाती है। एकक कोष्ठिका और मात्रक कोष्ठिका एक ही होती है। एकक कोष्ठिका को ही कई बुक में मात्रक कोष्ठिका भी कहा जाता है। एकक कोष्ठिका के प्रकार, एकक कोष्ठिका दो प्रकार की होती हैं। पहला सरल घनी एकक कोष्ठिका, इसमें अवयवी कण घन के कोनों पर उपस्थित होते हैं जिसमें प्रति एकक कोष्ठिका अवयवी कणों की संख्या एक होती है। आप जानते हैं कि घन में आठ कोने होते हैं और प्रत्येक कण आठ कोनों पर होते हैं, लेकिन ये प्रत्येक कण आठों कोनों से मिले होते हैं, अतः 1/8 × 8 बराबर 1 होता है। अतः उस क्रिस्टल में उस कण मात्र का योगदान 1 होता है। दूसरा होता है केंद्रित एकक कोष्ठिका, वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी स्थित होते हैं, केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। केंद्रित एकक कोष्ठिका वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण घन के कोनों के अतिरिक्त, जो आठ कोने हैं उनके अतिरिक्त, अन्य स्थितियों पर जैसे फलक पर, उसके केंद्र में या अन्य कहीं उपस्थित हो, उसे केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है या कहते हैं। यह तीन प्रकार की होती है। काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, इसे में अवयवी कण कोनों के साथ साथ केंद्रों पर भी उपस्थित होते हैं। कहाँ कहाँ? कोने पर, आठ कोने हो गए, आठ कोनों पर, और एक कण जो है इसके केंद्र में उपस्थित होती है। इसे में प्रति एकक कोष्ठिका अवयवी कणों की संख्या 1/8 × 8 अर्थात आठ कोनों पर, तो 1/8 × 8 और एक केंद्र पर -1 बराबर 2 होती है। दूसरा होता है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, इसमें अवयवी कण कोनों के। अभी हम बात कर रहे थे फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका की। इससे पहले आपने देखा काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, इसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ फलकों पर भी उपस्थित होते हैं। कहाँ कहाँ? आठ कोनों पर और 6 फलकों पर उपस्थित होते हैं। इसमें प्रति कोष्ठिका अवयवी कणों की संख्या 1/8 × 8, चूंकि आठ कोनों पर प्रत्येक का 1/8 का योगदान, -1/2 6 फलकों × 6 अर्थात 6 फलक होते हैं तो सब पे आधे आधे का योगदान होता है, तो 1/2 × 6 अतः 3, तो 1+3 = 4 होता है। देख लीजिए, कोने के अतिरिक्त फलक पे 1, 2, 3, 4, 5 और एक पीछे वाले फलक पे 6। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, इसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ 2 फलकों पर उपस्थित होते हैं। कहाँ कहाँ? कोनों के साथ साथ 2 फलकों पर, एक ये और ये एक, उपस्थित होते हैं। इसमें प्रति एकक कोष्ठिका अवयवी कणों की संख्या 1/8
गुणे आठ, चूंकि आठ कोने हो गए और प्रत्येक में 1/8 का योगदान है, तो 1/8 गुणे आठ धन 1/2 गुणे दो, दो फलक पर उपस्थित हैं तो प्रत्येक का योगदान आधे का होता है, तो 1/2 गुणे दो बराबर दो होता है। जो इसके बाद हम बात करेंगे संकुलन क्षमता की। संकुलन क्षमता या पैकिंग, किसी क्रिस्टलीय जालक में उपस्थित अभिकर्ण कणों का जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरते हैं उसे उस क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता कहते हैं। अर्थात किसी क्रिस्टल के निर्माण में किसी एक अभिकर्ण द्वारा जो स्थान घेरा जाता है या आवृत किया जाता है उसे क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता कहते हैं। संकुलन क्षमता ज्ञात करने के लिए संकुलन क्षमता का सूत्र होता है संकुलन क्षमता बराबर क्रिस्टल जालक के अभिकर्ण का आयतन बटे क्रिस्टल जालक का कुल आयतन। अर्थात संकुलन क्षमता बराबर किसी क्रिस्टलीय जालक के एक अभिकर्ण का, जो भी अभिकर्ण है क्रिस्टल जालक के अभिकर्ण का आयतन बटे पूरे क्रिस्टल जालक का आयतन, उसका संकुलन क्षमता कहलाता है। कि क्रिस्टल क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका तथा एकक कोष्ठिका के प्रकार। अब हम बात करेंगे क्रिस्टल जालक में उपस्थित रिक्त या वॉइड्स की। रिक्त एक खाली स्थान होता है जो विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलों के बनते समय एकक कोष्ठिकाओं के पुनरावृत्ति के बीच में रह जाता है। हम बात करें परिभाषा की तो क्रिस्टल जालक सघन संकुलित होते हैं फिर भी गोलों के मध्य कुछ रिक्त स्थान रह जाता है जिसे अंतराल छिद्र या रिक्त कहते हैं। तो कह रहे हैं कि एकक कोष्ठिकाओं की यानी एक मान लें कि कोष्ठिका गोले के रूप में है तो उनके बार बार की पुनरावृत्ति से उसमें कुछ रिक्त स्थान शेष रह जाता है जिसे छिद्र या रिक्त कहते हैं। चार स्पर्शी गोलों के मध्य रिक्त स्थान, रिक्त चतुष्फलकीय रिक्ति तथा छह गोलों के मध्य स्थित रिक्त अष्टफलकीय रिक्तियां कहलाती हैं। यदि सघन संकुलित संरचना में गोलों की संख्या n है तो मान लीजिए कि यदि कोई सघन संकुलित संरचना है और उसमें जो गोले हैं जिनकी बार बार पुनरावृत्ति से उस क्रिस्टल का निर्माण हो रहा है उनकी संख्या कैपिटल एन है तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या एन होगी तथा चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या 2n होती है। रिक्तियां तीन प्रकार की होती हैं। त्रिकोणीय रिक्तियां, तीन गोलों के मध्य बनी रिक्ति को त्रिकोणीय रिक्तियां कहते हैं। ये लगभग त्रिभुजाकार होती है अतः इसको त्रिकोणीय रिक्ति भी कहते हैं। दूसरी है चतुष्फलकीय रिक्ति। चतुष्फलकीय रिक्ति में ये जो तीन गोले और उसके ऊपर एक गोला के बनने से एक टेट्राहेड्रल संरचना प्राप्त होती है जिसको चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। तीसरी होती है अष्टफलकीय रिक्तियाँ। अष्टफलकीय रिक्तियाँ की संरचना निम्नलिखित है। आयनिक और अनायनिक ठोस, ठोसों के प्रकार तथा उसमें उपस्थित रिक्तियों का। अब हम बात करेंगे ठोसों में उपस्थित दोष या डिफेक्ट। डिफेक्ट किसी भी क्रिस्टल की संरचना में क्रमिक परिवर्तन के कारण जो रिक्तियां या अन्य दोष उत्पन्न होते हैं उन्हें हम दोष कहते हैं। दोष के कारण क्रिस्टल का जो मोन गुण होता है वो परिवर्तित हो जाता है। ठोस की में दोष या त्रुटियां या डिफेक्ट। डिफेक्ट को परिभाषित करने के लिए हम कह सकते हैं कि ठोस में नियमित ज्यामिति की संरचना में ताप बढ़ाने से या अशुद्धियों के प्रवेश कराने से नियमित व्यवस्था में विचलन उत्पन्न होना दोष या त्रुटि अपूर्णता कहलाती है। दोष दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक दोष और परमाणविक दोष। परमाणविक दोष बिंदु दोष भी कहलाता है।
यानी दोष कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, इलेक्ट्रॉनिक दोष और परमाण्विक दोष। परमाण्विक दोषों को अनआयनिक दोष या बिंदु दोष भी कहते हैं। बिंदु दोष मुख्यतः दो प्रकार का होता है, स्टाइकियोमेट्रिक और नॉन स्टाइकियोमेट्रिक। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, स्टाइकियोमेट्रिक और नॉन स्टाइकियोमेट्रिक। स्टाइकियोमेट्रिक दोष पुनः दो प्रकार के होते हैं, फ्रेंकियल दोष और शार्टकीय दोष, तथा नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष भी दो प्रकार के होते हैं, धन आयनिक और ऋण आयनिक दोष। बच्चों मुख्यतः बोर्ड में फ्रेंकियल और शार्टकीय दोषों में अंतर बहुत अधिक पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक दोष, इलेक्ट्रॉनों के निकलने या अपने स्थान को छोड़ जाने के कारण इलेक्ट्रॉन न्यूनबंध बनते हैं। ये न्यूनबंध उसमें एक छिद्र कहलाते हैं। ये छिद्र विद्युत प्रवाह के लिए उत्तरदायी होते हैं, अतः ठोसों में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों तथा छिद्रों को ही इलेक्ट्रॉनिक दोष कहा जाता है। कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनों के मुक्त होने से निर्मित इलेक्ट्रॉन न्यूनबंध को ही एक छिद्र कहते हैं। ये छिद्र विद्युत प्रवाह के लिए उत्तरदायी होते हैं, अतः इन्हें ठोसों में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा छिद्रों को ही इलेक्ट्रॉनिक दोष कहा जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों को ई से तथा छिद्रों को एच से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, परमाणु दोष। परमाणु दोष, यह दोष घटक कणों, परमाणु आयनों की व्यवस्था में अनियमितता के कारण उत्पन्न होते हैं। अर्थात इनमें कोई भी परमाणु आयन या अणु अपने स्थान से लुप्त हो जाता है, या फिर एक स्थान छोड़कर दूसरा स्थान ग्रहण कर लेता है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक और परमाणु दोष में अंतर का। मुख्यतः बोर्ड में कई बार पूछा गया है इलेक्ट्रॉनिक और परमाणु दोष में अंतर। इलेक्ट्रॉनिक दोष, इसमें ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा में प्रवेश कर जाता है, जबकि परमाणु दोष, इसमें अवयवी कण की नियमित व्यवस्था में विचलन या अनियमितता आ जाती है। मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक दोष में जब भी हम उसका ताप बढ़ाते हैं तो निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण निम्न ऊर्जा में रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाते हैं। जबकि परमाणु दोष में अवयवी कण अपनी नियमित व्यवस्था के क्रम को ही छोड़ देता है या उसमें अनियमितता आ जाती है। नंबर दो, सिलिकॉन में ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ जाती है, जिसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करने लगता है और इस गति के कारण विद्युत धारा का प्रवाह उत्पन्न हो जाता है। इस दोष में अवयवी कण स्थान छोड़ देता है और अंतराकाशीय में प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण ये दोष उत्पन्न हो जाता है। बिंदु दोष दो प्रकार के होते हैं, स्टाइकियोमेट्रिक और नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। स्टाइकियोमेट्रिक दोष, जब आयनिक यौगिक, स्टाइकियोमेट्रिक दोष में जब आयनिक यौगिक में धनायन ऋणायनों का अनुपात उनके मूलानुपाती सूत्र के अनुसार होता है तो इसे स्टाइकियोमेट्रिक दोष कहते हैं। क्या कह रहे हैं, जब आयनिक यौगिक में धनायन और ऋणायनों का अनुपात, यानी जो संबंध होता है धनायन और ऋणायन का अनुपात, उनके मूलानुपाती सूत्र के अनुसार होता है तब उसे स्टाइकियोमेट्रिक दोष कहते हैं। अर्थात धनायन और ऋणायनों की संख्या लगभग एक निश्चित अनुपात में रहती है। स्टाइकियोमेट्रिक दोष दो प्रकार के होते हैं, शार्टकी और फ्रेंकियल दोष। शार्टकी दोष, इसमें धनायन और ऋणायनों का आकार लगभग समान होता है, जबकि फ्रेंकियल दोषों में धनायनों का आकार छोटा एवं ऋणायनों का आकार बहुत बड़ा होता है। अभी हमने पहले बात किया था स्टाइकियोमेट्रिक दोष की। स्टाइकियोमेट्रिक दोष दो प्रकार के होते हैं, शार्टकीय दोष और फ्रेंकियल दोष। शार्टकीय दोष, यह दोष साधारण आयनिक ठोसों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है,
इसमें आयन अपनी सामान्य अर्थात वास्तविक स्थिति से लुप्त हो जाते हैं, जिससे जालक में रिक्तियां निर्मित हो जाती हैं। इस दोष में क्रिस्टलीय ठोस का घनत्व कम हो जाता है। मुख्यतः जालक बिंदु से धनायन या ऋणायन या तो लुप्त हो जाते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड और पोटेशियम क्लोराइड। दूसरा है फ्रैंकियल दोष। फ्रैंकियल दोष, यह दोष भी साधारणतः आयनिक क्रिस्टलों में ही पाया जाता है, लेकिन इसमें लघु आयन साधारणतः धनायन अपनी वास्तविक स्थिति को छोड़कर, जहां उनको रहना चाहिए उस स्थिति को छोड़कर बीच के अंतराकाशीय अवकाशों में चले जाते हैं, जिसके कारण इनके घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ये उस जालक में ही उपस्थित रहते हैं। इस प्रकार के उदाहरण हैं सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, जिंक सल्फाइड इत्यादि। शाटकी और फ्रैंकियल दोष में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है शाटकी और फ्रैंकियल दोष में अंतर। शाटकी और फ्रैंकियल दोष का अंतर लगभग हर एक साल के अंतराल पर पूछा जाता रहा है। इसमें तो हम बात करते हैं शाटकी और फ्रैंकियल दोष के अंतर का। शाटकी दोष, जैसा कि आपको पहले ही बताया है कि परिभाषा से ही स्पष्ट है कि इसमें धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान होता है, अर्थात धनायन और ऋणायन बराबर होते हैं, जबकि फ्रैंकियल दोष में धनायनों का आकार बहुत छोटा एवं ऋणायनों का आकार बड़ा होता है। अतः फ्रैंकियल दोष में त्रिज्या अनुपात अधिक होता है। दूसरा, शाटकीय दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है, अर्थात जब उसमें से सामान्यतः इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है, जब समान मात्रा में धनायन और ऋणायन लुप्त होते हैं तो उनका जो घनत्व होता है घट जाता है, जबकि फ्रैंकियल दोष में क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि आप जानते हैं कि फ्रैंकियल दोष में मुख्यतः जालक बिंदु या कण अपने केवल वास्तविक स्थिति को छोड़कर अंतराकाशीय अवकाश में जाता है, अतः वो क्रिस्टल के अंदर ही रहता है, जिसके कारण इसके घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। शाटकीय दोष, इसमें आयन क्रिस्टल जालक से निकल जाते हैं यानी पूर्णतः बाहर चले जाते हैं, जबकि इसमें आयन अंतराकाशीय अवकाश में चले जाते हैं, अर्थात क्रिस्टल के अंदर ही रहते हैं। यह एक रिक्त का दोष है, अर्थात इसमें समान मात्रा में धनायन तथा ऋणायन अपनी सामान्य जालक स्थिति से विलुप्त हो जाते हैं। यह एक अंतराकाशीय दोष है, जबकि फ्रैंकियल दोष एक अंतराकाशीय दोष है, अर्थात इसमें धनायन और अपने सामान्य जालक स्थिति को त्याग कर अंतराकाशीय स्थान ग्रहण कर लेता है, अर्थात क्रिस्टल के अंदर ही खाली स्थान में चला जाता है। मुख्यतः शाटकीय दोष के एग्जांपल्स है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड्स, जबकि फ्रैंकियल दोष में सिल्वर क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, सिल्वर ब्रोमाइड्स। बच्चों, आपको एक क्वेश्चन और याद दिला दें कि सिल्वर ब्रोमाइड ऐसा यौगिक है जिसमें शाटकीय और फ्रैंकियल दोष समान मात्रा में पाए जाते हैं। अतः एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौन सा पदार्थ या कौन सा क्रिस्टल शाटकीय और फ्रैंकियल दोष उत्पन्न करता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड में दोनों ही दोष पाए जाते हैं। बच्चों, अभी हमने बताया सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा यौगिक है जिसमें फ्रैंकियल और शाटकीय दोनों प्रकार की त्रुटियां पाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष पे। जब धनायन व ऋणायन की संख्याएं मूलानुपाती सूत्र के समान नहीं होती हैं तो उसे नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष कहते हैं, अर्थात जब धनायन व ऋणायन की संख्याएं मूलानुपाती सूत्र के समान नहीं होती हैं यानी एक निश्चित अनुपात में नहीं होती हैं तो उसे नॉन स्टोइकोमेट्रिक
दोष कहते हैं। यह भी दो प्रकार का होता है, धनायनिक दोष। धनायनिक दोष में दो प्रकार से उत्पन्न होता है, ऋणायन का निष्कासन हो या फिर धनायन का प्रवेश कराया जाए। यानी धनायनी को उत्पन्न करने के लिए ऋणायनों का निष्कासन कर दिया जाए, उसमें से ऋणायन अपने स्थान से लुप्त हो जाए या फिर धनायन अतिरिक्त मात्रा में प्रवेश कर जाए। जबकि ऋणायनिक दोष में अतिरिक्त मात्रा में ऋणायन या इलेक्ट्रॉन का प्रवेश कराया जाता है या फिर धनायनों का निष्कासन किया जाता है। इससे धनायनों के निष्कासन से ऋण आवेश बढ़ जाता है, अब हम बात करेंगे ठोसों के विद्युतीय गुण की। ठोसों के गुण, ठोस में विद्युत व चुंबकीय दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि ठोस मुख्यतः धातुएं होती हैं जो विद्युतीय और चुंबकीय दो प्रकार के गुणों को प्रदर्शित करती हैं। विद्युतीय गुण, विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर ठोसों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। अभी हम बात करेंगे ठोसों के विद्युतीय गुण की। विद्युतीय गुण का अर्थ है विद्युत धारा का प्रवाह जिनमें होता है उन्हें सुचालक, जिनमें नहीं होता है उन्हें कुचालक, और जिनमें अल्प मात्रा में होता है उसे अर्धचालक कहते हैं, आप सभी जानते हैं। तो पहले हम बात करेंगे चालक की। वे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन करते हैं चालक कहलाते हैं। इनकी चालकता का मान 10^-4 से 10^-7 ओम, 10^-4 से 10^-7 प्रति ओम प्रति मीटर होता है। ये धात्विक व विद्युत अपघटनी दो प्रकार के होते हैं। ये धात्विक व विद्युत अपघटनी दो प्रकार के होते हैं। धात्विक में धातुएं होती हैं मुख्यतः, जबकि विद्युत अपघटनी में वैद्युत इलेक्ट्रोलाइट्स या वैद्युत अपघट्य होते हैं। कुचालक, वे पदार्थ जो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते या जिनके द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है कुचालक कहलाते हैं। इनकी चालकता का मान 10^-2 से 10^-10 ओम प्रति ओम प्रति मीटर होता है। जैसे रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी, कांच इत्यादि। अर्धचालक, वे ठोस जिनकी चालकताएं चालकों एवं कुचालकों के मध्य की होती है, अर्थात जो अल्प मात्रा में विद्युत धारा का प्रवाह कर सकते हैं अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक, इनकी चालकता का परास 10^-6 से 10^4 ओम प्रति मीटर प्रति ओम प्रति मीटर होता है। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, नैज अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक। अशुद्ध अर्धचालक भी दो प्रकार के होते हैं, यन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालक। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था अर्धचालक। अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालकों और अचालकों के मध्य की होती है। उसी में हमने आपको बताया था कि अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, नैज प्रकार के और अशुद्ध प्रकार के अर्धचालक। अशुद्ध प्रकार के अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, एन टाइप्स और पी टाइप्स। एन टाइप्स और पी टाइप्स सेमीकंडक्टर्स। एन टाइप एंड अर्धचालकों में या एन प्रकार के अर्धचालकों में जब हम वर्ग 14 के शुद्ध तत्वों में वर्ग 15 के तत्व जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक इत्यादि की अशुद्धियों को अपमिश्रित करते हैं तो इन प्रकार के बनने वाले अर्धचालकों को यन प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। देखिए जैसे सिलिकॉन्स के बाह्य कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं अतः ये 4 बंध बनाता है, जबकि फास्फोरस के बाह्य कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन अधिक होने के कारण 4 इलेक्ट्रॉन तो बंध बनाने में भाग लेते हैं सिलिकॉन के साथ,
लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त बच जाता है। यह अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह सुगमता से विद्युत का चालन करता है। देखिए वर्ग 14 के शुद्ध तत्वों को वर्ग 15 के तत्व फास्फोरस आर्सेनिक इत्यादि को अपमिश्रित करने पर अल्प मात्रा मिलाने पर यन प्रकार के अर्धचालकों का निर्माण होता है। यन प्रकार के वर्ग 15 के तत्वों में के बाह्य कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन के साथ बंध बनाने में भाग लेते हैं, किंतु एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन बच जाता है। इस अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही यह सुगमता से विद्युत का चालन करता है। बात करें पी टाइप के अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालकों का निर्माण वर्ग 14 के शुद्ध तत्वों में वर्ग 13 के तत्वों को जैसे बोरान एल्यूमिनियम इत्यादि को अल्प मात्रा में मिश्रित करने से प्राप्त अर्धचालक पी प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। एक इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण इसमें एक होल बनता है और बोरान परमाणु या क्रिस्टल धन आवेशित हो जाता है। इस होल के कारण इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने लगता है और इस प्रकार यह भी विद्युत का चालन करता है। अर्धचालकों का उपयोग मुख्यतः सेल बनाने में किया जाता है।